दोस्तों आज हम लोग हाफ वाट एलईडी बल्ब से रनिंग लाइट झालर बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ वाट का 12 एलईडी बल्ब लिया है जो कि 6 कलर में है। जितना एलईडी बल्ब रहेगा उतना ही होल्डर चाहिए। हाफ वाट का 12 एलईडी बल्ब है तो हमने यहाँ पर 12 होल्डर लिया है। उसके बाद इस तरह के कुछ वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप रनिंग लाइट वाला झालर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास चेसर होना ज़रूरी है। चेसर कैसा होता है मैं आप लोग दिखाता हूँ। देखिए ये है माँ लक्ष्मी कंपनी का 6 चैनल वाला चेसर जिसमें कि हम 3 लाइन भी चला सकते हैं और 6 लाइन भी चला सकते हैं। यदि हम 3 लाइन चलाएंगे तो जो हम झालर बनाएंगे उसमें 8 सेक्शन चलेगा। यदि हम 6 लाइन चलाएंगे तो उसमें टोटल 32 सेक्शन चलेगा। यहाँ पे एक स्विच है इस चेसर को ऑन ऑफ करने का तथा झालर की स्पीड को कंट्रोल करने का, यानी झालर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का। तो इस तरह का चेसर आपके पास होना ज़रूरी है तभी आप हाफ वाट के एलईडी बल्ब से रनिंग लाइट वाला झालर बना पाएंगे। यहाँ पीछे में दिया है इसका कनेक्शन सी है कॉमन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 चैनल का है। और इस चेसर का काम केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आप एक बार इस चेसर को परचेज कर लेते हैं, यदि आपके घर में कोई भी पार्टी फंक्शन है, शादी का मौका है या फिर दिवाली के मौके पे, मात्र एक ही चेसर से 50 से 60 झालर की लड़ियों को चला सकते हैं और सभी झालर की लड़ियों में टोटल 32 सेक्शन चलेगा। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे कि शादी के मौके पर जो छतों से नीचे की तरफ झालर की लड़ियाँ लटकी होती हैं उनमें कितना एक्शन होता है, तो उन झालर की लड़ियों में एक्शन लाने के लिए इसी तरह के चेसर का यूज किया जाता है। तो चलिए झालर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 13 फीट इस वायर में से वायर काट लेते हैं और इसमें 2 वायर लगा है तो इसमें से हम एक वायर को अलग कर लेंगे। मैं जो यहाँ पर झालर बना रहा हूँ उस झालर में एक एलईडी बल्ब से दूसरे एलईडी बल्ब की दूरी होगी लगभग 1 फीट की, इसीलिए मैं 13 फीट वायर काट रहा हूँ। यदि आपको एक बल्ब से दूसरे बल्ब की दूरी ज़्यादा रखनी है, यानी 1 फीट के बजाय 1.5 फीट 2 फीट, तो आप वायर को उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 13 फीट वायर को काट कर और दोनों वायर को अलग अलग कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इनमें से एक वायर लेंगे, मैं नीला वाला ले लेता हूँ, और इस वायर में से 1-1 फीट का 13 टुकड़ा काट लेंगे। देखिए हमने 1-1 फीट का 13 टुकड़ा कर लिया है। सभी वायर को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से छील लेना है। उसके बाद होल्डर के कैप में डालकर इसे हम होल्डर के एक पॉइंट में जॉइंट कर देंगे। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। एक और वायर लेंगे और दोनों वायर को एक साथ इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, देखिए इस तरीके से, और दूसरा होल्डर लेंगे, इसके कैप में डालकर और इस होल्डर के एक पॉइंट में इसे हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। अभी हमें सेम यही काम सभी होल्डर में कर देना है कि 1-1 वायर लेते जाना है इस तरीके से, दोनों वायर को एक साथ जोड़कर और हम तीसरे होल्डर में जोड़ देंगे। इसी तरीके से चौथे में, पांचवे में सभी होल्डर के 1-1 पॉइंट में इन वायर को जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सभी होल्डर को फिट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने एक झालर की लड़ी बना लिया है। और हमने क्या किया है, देखिए केवल एक ही पॉइंट में जोड़ा है, देखिए केवल एक पॉइंट में जोड़ा है, एक पॉइंट अभी बाकी रहेगा। अब इसके बाद इन सभी होल्डर में हमें बल्ब लगा लेना है। आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं पहले नंबर पर लगाता हूँ पीला, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक। देखिए इस तरह से हमें सभी बल्ब को लगा लेना है। पहले हमने लगाया है पीला, फिर हरा, गुलाबी, नीला, रेड और ये है केसरिया यानी ऑरेंज। ये 6 बल्ब लगाने के बाद अब फिर से हम शुरू करेंगे वहाँ से पीला से। सातवें नंबर पे लगाएंगे पीला,
और पीला के बाद जो है हरा है, तो आठवें नंबर पर हरा, हरा के बाद पिंक है, तो पिंक, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर केसरिया। इस तरह से हमें सभी बल्ब को लगा देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सभी बल्ब में जो एक एक पॉइंट बचा था उन पॉइंट में कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन हमें कैसे करना है, एक वायर लेंगे जो कि यदि आपके पास जिस कलर का बल्ब है यदि उस कलर का वायर है तब तो बहुत अच्छा है, अगर वैसा वायर नहीं है तब भी आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास दो ही कलर का वायर है, एक नीला है जो कि हमने कॉमन वायर में जोड़ दिया है और एक है पीला, तो हम यहाँ पर पहला वायर जोड़ेंगे पीला, एक फीट का वायर काटेंगे और इस बल्ब में हम जोड़ देंगे। पहले हम होल्डर को खोल लेते हैं। होल्डर खोलने के बाद हम इस वायर को इस तरीके से निकाल लेंगे और ये वायर जितना लंबा है उतना लंबा टुकड़ा हम इसमें से काट लेंगे। देखिए इतना थोड़ा सा बड़ा काटेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें छिलना भी पड़ता है। देखिए हमने लगभग एक फीट का टुकड़ा काटा है और ये बाकी लंबा वाला टुकड़ा है, तो इसमें हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। इसका जो एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें हमें जोड़ना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इस बल्ब का ये जो कैप है कैप के अंदर से इसे लाना है। देखिए इस तरीके से, उसके बाद हमें इसमें इस तरीके से जोड़ देना है। अब इसके बाद इस होल्डर को हम बंद कर देंगे। अब पहले वाले बल्ब का कनेक्शन हो गया है, देखिए आगे से ये दो वायर निकल गया है। आप चाहें तो इस वायर को, ये जो दूसरा वायर है इसमें आप लपेटते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, हल्का सा, ज़्यादा आपको नहीं लपेटना है, केवल एक एक बार लपेटते जाइए। जितना भी बल्ब है उसमें केवल एक बार आप लपेट दीजिए। देखिए एक बार यहाँ हमने लपेट दिया, अब इसके बाद एक बार यहाँ पर लपेटेंगे। हालांकि आप चाहें तो बिना लपेटे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसमें टेपिंग कर सकते हैं। देखिए वायर को हमने इस तरीके से हल्का हल्का, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस तरीके से लपेटते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं यानी पीले वाले बल्ब के पास। अभी हम क्या करेंगे कि इतना इसमें से कट कर देंगे और इस बल्ब के होल्डर में इसे जोड़ देंगे। इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा छील लेंगे, उसके बाद होल्डर खोलकर इसके कैप में डालते हुए इसके दूसरे पॉइंट में हमें इसे जोड़ देना है। देखिए अब पीला वाले बल्ब का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। हालांकि यहाँ मैंने एक रंग के केवल दो बल्ब का यूज़ किया है, यदि इसके अलावा भी और पीला बल्ब होता तो फिर से हम इस पॉइंट में जहाँ हमने पीला वायर जोड़ा है इस पॉइंट में इस वायर को जोड़कर और उसे हम आगे ले आते हैं, उस जगह तक ले आते जहाँ तक कि पीला बल्ब होता और वहाँ पे जाके इस वायर को जोड़ देते। यदि उसके आगे भी पीला बल्ब होता फिर हम वायर को आगे बढ़ा देते और उसमें हम कनेक्शन जोड़ देते, लेकिन हमने यहाँ पर केवल दो ही पीले बल्ब का यूज़ किया है इसलिए पीले बल्ब का कनेक्शन यहीं कम्प्लीट हो जाता है। और ये जो हरा बल्ब है इसका कनेक्शन फर्स्ट में वहाँ होगा और उसके बाद यहाँ होगा, और हरे बल्ब का कनेक्शन भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए हरे बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं। तो हरे वाले बल्ब में भी सेम वैसे ही कनेक्शन करना है। देखिए पीले बल्ब के लिए हमने केवल एक फीट का टुकड़ा काटा था, अभी हरे बल्ब के लिए दो फीट का टुकड़ा काटेंगे। देखिए एक फीट यहाँ तक और दूसरा फीट यहाँ तक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पास से नापेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे करते हुए एक बार हम इसमें इस तरीके से लपेट देंगे। अब देखिए पीला वायर इसमें दो हो गया तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। यदि जितना कलर का बल्ब है उतने कलर का ये वायर होता तो कनेक्शन करने में बड़ी आसानी होती, हालांकि मेरे पास यही है तो चलिए हम इसी को जोड़ लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको कट करेंगे, देखिए इतना बड़ा, और उसके बाद इस साइड वाला वायर तथा आगे वाला वायर दोनों को छीलकर हमें इस तरीके से आपस में लपेट देना है यानी ट्विस्ट कर देना है। होल्डर को खोलेंगे और इसके कैप में डाल देंगे, देखिए इस तरीके से कैप में डालकर, और जो दूसरा पॉइंट बचा है
इस पॉइंट में हमें इसे जोड़ देना है। उसके बाद इसके कैप को इस तरह से लगा देना है। इसका डायग्राम मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि मैंने इसका कनेक्शन कैसे किया है। अब इसका जो एक सिरा बचा है हमें क्या करना है कि इस ग्रीन वायर में जोड़ना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को सभी बल्ब के बीच में इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर ग्रीन बल्ब के पास पहुँच गए हैं। अभी हमें इस वायर को काट कर और इस होल्डर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देना है। देखिए अब उसके बाद जो तरीका हमने इन दोनों बल्ब में यूज किया है सेम उसी तरीके से सभी बल्ब में हम वायर को जोड़ देते हैं। तो देखिए अभी झालर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है और मैंने इसमें जगह जगह पे टेपिंग कर दिया है ताकि ये वायर बिल्कुल खुले खुले ना दिखाई दे, इकट्ठा दिखाई दे। देखिए इस तरह से हमने वायरिंग कर दिया है। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका वायरिंग मैंने कैसे किया है, फिर भी इसका डायग्राम मैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोगों को शो कर देता हूँ कि मैंने इसका वायरिंग कैसे किया है। हालांकि मेरे पास केवल दो ही कलर का वायर था, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे 6 कलर का वायर इसमें कनेक्ट कर दिया है। यानी जिस कलर का बल्ब है उस कलर का वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है ताकि हमें चेसर में जोड़ने में कोई परेशानी ना हो। और ये वायर कहाँ पर मिला है, इस तरह का पट्टा वाला वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आपको मिल जाएगा। हालांकि आप चाहें तो इसी वायर से इन सभी झालर का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये वायर थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, इसलिए यदि आप इससे झालर बनाएंगे तो झालर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने इस वायर का यूज किया है और ये वायर कॉपर का वायर है। यदि आप इस वायर से इस तरह का झालर बना लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। कॉमन वायर को हमने थोड़ा बड़ा रखा है और ये कॉमन वायर है, ये ओरिजिनल है। यानी इन बल्ब में जो हमने वायरिंग किया है उन्हीं वायर में से थोड़ा सा बड़ा वायर हमने रख लिया है कॉमन वायर का, बाकी को छोटा कर दिया है। अब चलिए ये झालर का कनेक्शन हम चेसर में कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉमन वायर जोड़ेंगे। ये है इसका कॉमन वायर और चेसर में यहाँ जो सी लिखा है इसका कॉमन होता है, तो हम इस सी में इस कॉमन वायर को जोड़ देंगे। उसके बाद नंबर वन पे है पीला एलईडी, तो इसमें से हम पीला वायर लेंगे और इस एक नंबर में पीले वायर को जोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे है ग्रीन वायर, तो इस दूसरे में ग्रीन वायर को जोड़ेंगे। तीसरे नंबर पे पिंक है, फिर ब्लू है, रेड है और फिर ऑरेंज है, तो इसके हिसाब से हम सभी वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस झालर का कनेक्शन सही प्रकार से कर दिया है। अब चलिए इस झालर का हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए इस चेसर में दो स्विच है, मैं चेसर बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसे चेजर भी कहते हैं, तो आप चेजर या चेसर कुछ भी बोल सकते हैं। इसके स्विच को हम ऑन करते हैं। देखिए जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे एलईडी जलनी स्टार्ट हो गई। इसके स्पीड को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अब झालर को आप देखिए, देख रहे हैं ये झालर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं अंधेरा करता हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा करने के बाद ये झालर इस तरह से दिखेगा। वैसे तो ये झालर के बल्ब को हमने एक उस साइड किया है और एक इस साइड। अभी हम क्या करेंगे, सभी बल्ब को एक ही साइड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जब ये झालर जलता है तो कैसा दिखता है। देखिए ये झालर के सभी एलईडी बल्ब को हमने एक साइड कर दिया है, तो ये देखने में कैसा लग रहा है देख सकते हैं, और इसमें कितना एक्शन चल रहा है। इस चेसर को मैंने अमेजन से ऑनलाइन परचेज किया है और इस चेसर का दाम है 999 रुपये। तो यदि आपको भी ये चेसर चाहिए तो इस चेसर को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस चेसर को परचेज कर सकते हैं।
तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।